दोस्तों, कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम गूगल पे से किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट या फिर मनी ट्रांसफ़र, तो ऐसे में वह पैसा हमारे बैंक अकाउंट से तो कट जाता है, परंतु वह पैसा हमारे गूगल पे के अकाउंट में फेल्ड बताता है, यानी कि वह ट्रांजेक्शन पूरी तरह से फेल्ड हो जाता है। या फिर कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे किसी ऑनलाइन में किसी तरह के गड़बड़ी के कारण या फिर फ्रॉड वगैरह के चलते हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कट जाता है गूगल पे के ज़रिए। तो ऐसे में आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि आप गूगल पे के कस्टमर केयर से बात करके अपनी इस प्रॉब्लम का समाधान निकालें। और यह प्रॉब्लम अक्सर किसी टेक्निकल इश्यू या फिर ऑनलाइन सर्वर प्रॉब्लम के कारण हो जाता है। तो ऐसे में ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, आप सीधे सीधे गूगल पे के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे के कस्टमर केयर से चैट के जरिए भी अपनी इस प्रॉब्लम का समाधान कर सकते हैं। परंतु प्रॉब्लम यह है कि गूगल पे की एप्लीकेशन से आपको उसके गूगल पे के कस्टमर केयर में कॉन्टैक्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो ऐसे में मैं आपके लिए एक सिंपल सा तरीका लाया हूँ, जिसके ज़रिए आप डायरेक्ट गूगल पे के कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, और ओपन करने के बाद आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र में गूगल पे कस्टमर केयर नंबर टाइप करके सर्च कर लेना है। और सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे आपके सर्च से रिलेटेड कई सारे पेजेस दिखाई पड़ रहे होंगे, तो आप यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस गूगल। तो आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस गूगल वाले वेबसाइट पर ओपन कर लेना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्टैक्ट अस गूगल के जस्ट नीचे में वह नंबर भी दिया हुआ है, क्योंकि इस नंबर को हम डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको इस ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वह नंबर शो हो रहा है। इस नंबर को आप डायरेक्ट को थोड़ा सा प्रेस करके कॉल कर सकते हैं, या फिर आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं गूगल पे का यह कस्टमर केयर नंबर है। वैसे तो इस नंबर को मैं आपको डायरेक्ट भी दे सकता था, पर कभी कभी यह नंबर चेंज भी होते रहते हैं। तो ऐसे में आपको इस प्रोसेस को अपनाना है और अपने मोबाइल फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र में गूगल पे कस्टमर केयर नंबर को सर्च कर लेना है। इस तरह आपको अपडेटेड नंबर हमेशा शो होते रहेगा, यानी कि जो नंबर करंट में अवेलेबल है वो नंबर आपको शो होगा। और आप उस नंबर पे कॉल करके सबसे पहले आप अपनी लैंग्वेज को चुन लीजिए, और उसके बाद आप अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करके अपनी प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी दूसरे वीडियो में। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और